तहलिक्स हाउस में लगातार समाज की लड़ाई को सड़क से लेकर सदनों तक लड़ाई लड़ रहा है। यह समाज लाखों वर्षों से प्रताड़ित था और इस समाज ने संघर्ष करके, यह समाज हमेशा से दूसरों को मदद करने का काम करता है। हम दानवीर भाभा साहब के वंशज हैं और हमारे भाव में ही, हमारे सेवा भाव, हम लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। तो आज विभिन्न रूपों में हमारे समाज के लोगों ने इस दानवीर भाभा साहब ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। तो आज हम सभी माननीय मंत्री जी, माननीय हमारे समाज के जो माननीय विधायक लोग हैं, सब लोग हम लोग समाज के लिए एकजुट हैं, सभी लोग समाज के साथ हैं। और हमारे समाज का जो समस्या है सबसे ज़्यादा शोषण दोहन, आज भी गांव में, सुदूर देहातों में हमारे जाति को शोषण किया जाता है। सबसे ज़्यादा आज भी हमारे समाज की हत्या हो रही है। इन तमाम बातों के लेके हम समाज के बीच बैठे हैं। आगे हमारा समाज कैसे आगे बढ़े और आने वाला पंचायत चुनाव में हमारा समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एकजुटता के साथ, चट्टानी के साथ जीत के आवे, इन बातों को हम रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। और हमारी जो आबादी है, पूरे प्रदेश में 7% की आबादी है, लेकिन आबादी के अनुसार आज तक हमको भागीदारी नहीं मिली है। तो हमको पॉलिटिकल पार्टी पर दबाव बनाना है और दबाव सभी पार्टी पर, और दबाव बना के हमको अपना अधिकार लेता है। आपको मालूम होगा कि हमारा पिछले 40 साल से किसी न किसी पार्टी के द्वारा हमारे जाति को बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया जाता रहा है, लेकिन इधर हमारे समाज के लोग सदन में नहीं, MLC नहीं बन पाए, जिसके लेके हमारे समाज के लोगों में आक्रोश से दुखी है। इन तमाम बातों को लेके हम अपने समाज को मालिकों के बीच जा रहे हैं और एक सशक्त संगठन बना के हम इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और आने वाला लोकसभा का जो चुनाव होगा 2024 में, काफ़ी निर्णायक हो। हमारा डिमांड है 4 सीट हम लोग मांगने वाले हैं और जो हमको ज़्यादा सीट देगा, हमारा समाज उसके साथ जाने का काम करेगा।